वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और रेसिपी लेके आई हूँ जो है सब बच्चों की और बड़ों की पसंद, जो है मैक पफ। मैक पफ सबने खाया होगा और आज मैं इसे घर में कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो बताते हैं हम मैक पफ कैसे बनाते हैं। मैक पफ बनाने के लिए मुझे सबसे पहले जो सामान चाहिए वो बताती हूँ। पफ बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे डो के लिए मैदा चाहिए, जिसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के डो रेडी करेंगे। उसके बाद जो मैंने स्टफिंग रेडी करनी है उसके लिए मैंने ये कैप्सिकम लिया जिसको छोटा छोटा कट किया है, और ये टमाटर है जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, ये कॉर्न है, ये बीन्स है जिसको भी मैंने छोटा छोटा कट किया है, और ये कैरेट, और ये ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, और ये प्याज जिसको भी छोटा कट किया हुआ है, और ये गार्लिक, और ये मटर। और सिर्फ इसमें हम तीन चीज़ें डालेंगे मसालों में, ये है मेरे पास चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और नमक। चलो हम मैक पफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैक पफ की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हम गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। बस जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा गार्लिक, गार्लिक को हल्का सा सौते करेंगे जिससे उसकी स्मेल निकल जाएगी। और अब इसमें हम जो हमने आधा प्याज काट करके रखा है उसे डालेंगे। और ये प्याज हल्की सी भुन चुकी है, अब यहाँ पर हम कैरेट डालेंगे जिसे हमने छोटा कट किया हुआ है, बीन्स, बेसिकली इन सबको हमने हल्का हल्का सॉफ्ट करना है, ये कॉर्न, ये मटर, ये कैप्सिकम, सारे वेजिटेबल्स को हमने इसमें डाल दिया है। और ये टमाटो, टेस्ट के अनुसार नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार से चिली फ्लेक्स वगैरह डाल लें। आपको थोड़ा तीखा खाना होगा थोड़ा तीखा भी डाल सकते हैं। और इन सबको सिर्फ जब तक ये थोड़े से हल्के से सिक जाए, इसकी स्मेल निकल जाए कच्ची वेजेस की, तो हम इसे बना लेंगे। तो ये हमारी मैक पफ की स्टफिंग तैयार हो गई है। स्टफिंग तैयार हो गई है लेकिन इसमें थोड़े थोड़े मोटे पीस हैं जो मैंने मैक पफ में स्टफ करने, तो इसे मैं ऐसे और नए इससे चमचे और या स्पून की सहायता से थोड़े थोड़े से तोड़ देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम मैक पफ का आटा तैयार करेंगे। हम एक बाउल लेंगे, उसमें जो हमारे पास मैदा है उसे डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, और एक चम्मच रिफाइंड डालेंगे, और पानी की हेल्प से एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अभी हमारा डो तैयार हो गया है, देखो कितना सॉफ्ट है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में कवर करके ढक देंगे। अब हम एक और बाउल लेंगे, जो हमने स्टफिंग तैयार किया है उसे लेंगे, उसे एक बाउल में निकाल लेंगे।
अभी स्टफिंग ठंडी भी हो गई है तो इसमें हम चीज़ डालेंगे। इसमें कम से कम 4 चम्मच हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। और 2 चम्मच हॉट एंड स्वीट सॉस डालेंगे। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ी सी चीज और जाएगी। अब ये हमारी मैकपफ की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम अपने मैदे को लेंगे, उसकी छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे। और हल्का सा मैदा डस्ट करके इसकी एक लंबी सी पतली सी रोटी बनाएंगे। इसमें हम गैस पे एक पैन भी रख देंगे जिसमें हम ऑयल रखेंगे गरम होने के लिए। जितने ऑयल गरम हो रहा है इतने हमारे मैकपफ भी रेडी हो जाएंगे। एक बिल्कुल पतली सी रोटी बना ली है। अब इसको हम साइड से एजेस निकाल देंगे जिससे हमारे पास एक स्क्वायर पट्टी तैयार हो जाएगी इस तरह से। और एक कटोरी में हम 1 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बैटर तैयार करेंगे पतला सा, जिससे हम अपने मैकपफ को चिपकाएंगे पेस्ट कर। इस तरह से एक पतला सा बैटर तैयार हो गया है। और अब हम ये जो मैंने स्क्वायर बनाई है रोटी, इसके ऊपर 1 चम्मच सेंटर में से थोड़ा इधर अपनी स्टफिंग को फिल करेंगे। और ये जो मैंने बैटर तैयार किया है इस तरह से इसके चारों तरफ लगा देंगे। इसे उठाकर इस तरह से पेस्ट करेंगे। और एक फूक की हेल्प से इस पे इसे डिजाइन बना देंगे। और इसे अच्छे से पेस्ट भी हो जाएगी और हमारी फिलिंग बाहर भी नहीं आएगी। इसी तरह से हम सारे मैकपफ तैयार करेंगे। एक रोटी बिल्कुल मैंने एक और रोटी बनाई है और इसके कॉर्नर्स को कट करके एक स्क्वायर रोटी थ्रेड निकाल लेंगे। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था अभी एक और मैकपफ बना के सेम वही प्रोसीजर, स्टफिंग लेंगे तरह से साइड करते हुए और इस पे जो मैंने मैदे और पानी का बैटर तैयार किया उसे लगाएंगे। फोक से वही डिज़ाइन डाल देंगे जिससे हमारी आपस में अच्छे से चिपक भी जाएंगे और ये दिखने में सुंदर भी लगेंगे। इसी तरह सारे मैकपफ तैयार करेंगे। अभी हमारा ऑयल मीडियम हो चुका है, इसमें हम अपने मैकपफ को फ्राई करेंगे। इन्हें हम हल्के गोल्डन कलर तक फ्राई करेंगे।
अब ये मैकपफ दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हल्का ब्राउन कलर आ चुका है, एक टिश्यू पे निकालेंगे जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अगर आपको मेरे मैकपफ की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बने हुए उस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बाय।